पिछले वीडियो में देखा कि रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरह से कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया जाता है। मैंने ये वाला हेडिंग पिछले वीडियो में बताया था, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके हम लोग कई सारे टाइप्स याद किए थे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कम से कम 6-7 क्वेश्चन के आसपास किए थे। उसमें क्या प्लान होता है, फर्स्ट टाइम वो लुक वाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होता है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म क्रिएट हो जाता है। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन को फिर पिक कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि सॉल्व फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, 7 + 4√3 पावर एक्स स्क्वायर -5x + 5 प्लस -4√3 का पावर एक्स स्क्वायर -5x + 5 और इज इक्वल टू में है 40। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ यहाँ पे छोटी सी बात बताऊंगा, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। क्या आपको छोटी सी बात देखते हैं, इसे आप बताओ। फॉर एग्जाम्पल 2 + √3 लिखा है, ठीक है, 2 + √3। मैं कहूँ यार इसका कंजुगेट करो, कंजुगेट का मतलब होता है प्लस की जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, प्लस की जगह पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस प्रोसेस को हम लोग कंजुगेट कहते हैं। ठीक है, ऊपर का सॉल्व किया जाए तो a+b a-b हो जाएगा 4। या अगर आप चाहो तो पूरा लिखना चाहते हो अच्छे से तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 4 - 3 यानी 1, दिस इज 4, -√3 के स्क्वायर 3 होता है, 4 - 3 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2 + √3 की वैल्यू कितना आया, 1/2 - √3। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं यार, जैसे लिखा है फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 4 + √50। ठीक है, इसके अगर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आता है। a+b a-b, दिस इज 16 - 15 डिवाइड बाई 4 - √50, ये आ जाएगा 1/4 - √50। ठीक है, ये मुझे कुछ क्वेश्चंस ये कराने हैं तो, लेकिन ये तभी कर पाओगे ये कुछ बातें को अगर आप फॉलो करो क्या आप सोच रहा हूँ तब। अच्छा, थोड़ा सा इन दो एग्जांपल्स को अगर ध्यान से देखो, जिसको मैं रेक्टेंगल ब्रैकेट से क्लोज कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट। कुछ लोग इस सवाल को देखकर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, दिस इज 15, कि यार इसमें कुछ इस तरह से लग रहा है कि 2 + √3 है। ओके, दिस इज 1/2 - √3। ठीक है, तो कुल लोग सोच रहे यार यहाँ प्लस है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इक्वल टू में 1/2, इस प्लस की जगह पर माइनस लगा देंगे। सेम बात यहाँ देखो, यहाँ प्लस है तो 1/2, इस जगह पर माइनस लगा देंगे, ये सारा स्टेप करेंगे ही नहीं। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि प्लस है तो बस नीचे माइनस है, प्लस है तो माइनस है, ठीक ना, बताओ। और ये दोनों ही केस में 1 1 है, ध्यान से। अब इसमें कोई एग्जाम्पल देता हूँ, मानो लिखा है 3 + √3, 3 + √2। अब इसका कंजुगेट करो, देखो क्या आता है, 9 - 2 एंड डिवाइड बाई 3 - √2, ये आ जाएगा 7/3 - √2। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये बात जो हमने इस दो एग्जाम्पल्स में देखा, क्या वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो बातें हमने यहाँ बोला? अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है कि प्लस है तो माइनस है, लेकिन ऊपर 7 आ रहा है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या आया, 1 आया। तो ये तीन एग्जाम्पल देने का मेन मकसद ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो तो आप हमेशा 1 लिखोगे ऊपर
और प्लस जो है माइनस लगा हुआ है, इट्स नॉट गुड। ओके, बट इस केस में देखा जाए तो अगर आप उसी दो एग्जांपल के अप्रोच से अगर यहाँ वर्क करते हैं तो यहाँ प्लस है, माइनस तो लग गया यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ऊपर तो 7 आ रहा है ना। तो वही बात कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि ऊपर 1 ही आता हो हमेशा, समटाइम कुछ अलग नंबर भी दिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल आपको रटने नहीं है, बस अब मैं बात करूँ कि क्या चीज़ आपको रटने है वो सुनो। आप बस दिमाग में सोचो कि हमें हमेशा कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सिर्फ यही बात रखना है। चाहे मैं ये एग्जाम्पल बात करूँ, चाहे इस एग्जाम्पल की बात करूँ, चाहे इस एग्जाम्पल में, तीनों एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही बात का हम यूज़ कर रहे हैं कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा, कुल लोग सोच रहे होंगे क्या यहाँ पे प्लस है तभी होगा, मेरा कहना बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस पे भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो इसके कंजुगेट क्या होते हैं, प्लस एंड प्लस। ठीक है, तो वो डोंट वेरी, वो सब एक कोई खास बात नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब चलते हैं क्वेश्चन। जैसे लिखा है हमारे क्वेश्चन में कि 7 + 4√3। ठीक है, तो अगर इसके हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, देखते हैं क्या बनता है। क्या बनता है, देखो प्लस था माइनस कर दिया। अच्छा, अब जैसे मैंने 7 + 4√3 को पिक किया है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट 7 - 4√3 को पिक करें तो वो एक ही बात होगा बाद में, चाहे अगर हम ये माइनस लेके लगाएंगे तो यार यहाँ माइनस आएगा और यहाँ दो जगहों पे प्लस आएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये बेस का फर्स्ट वाला लिख सोचते हो या बेस का सेकेंड वाला। ठीक है, अब ऊपर यूज करते हैं a + b a - b, a² - b² डिवाइड बाई a - b। ओके, 49, 16 एंड 3, यानी 16 × 3 = 48। दिस इज 1/7 - 4√3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाई चांस न्यूमरेटर में 1 आया है। ओके, बट मैंने एग्जाम्पल दिया था, जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमेशा 1 आए, बाई चांस एक एग्जाम्पल में ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर बात करें रटने वाली, तो हमने 7 + 4√3 को सॉल्व किया और इसके जगह पे क्या फाइंड आउट हुआ है, 1/7 - 4√3। तो मैं 1 मिनट के लिए इस पूरे को मिटा कर, टाइम बच जाएगा मेरा, मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस टर्म्स को हम यूज करते हैं। ठीक, तो देखो क्या है, 7 + 4√3 है, ये 1/7 - 4√3 के इक्वल होगा मैथमेटिकली, अभी हमने प्रूव करके दिखाया। तो इस प्लेस पे हम लोग इस क्वांटिटी को रिप्लेस कर देते हैं, देखते हैं क्या है। याद करो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल पावर है, तो प्रॉपर्टी क्या होता है, न्यूमरेटर का अलग पावर, डिनोमिनेटर का अलग पावर। न्यूमरेटर है 1, उसके पावर कोई भी संख्या लिखोगे वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो लिखने का मतलब नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि x² - 5x + 5, x² - 5 + 5। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, मैथमेटिकली क्लास में उनका फॉर्मूला है। ओके, मैं थोड़ा यहाँ लिख के दिखा दूँ कि a/b की पावर जो n होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा जाता है क्लास सेवन में, पावर दोनों नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पावर के तौर पर, a^n b^n, यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, 1 की पावर कोई भी संख्या होता है वो हमेशा 1 होता है, तो इसको लिखने कोई मतलब ही नहीं है, एक स्टेप फालतू में एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, ठीक है, ओके, अब आप देख सकते हो इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो अप्रोक्स एग्जैक्टली सेम बन चुका है। अब देख सकते हो इतना सा बड़ा क्वांटिटी ये एक नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, तो देखते हैं कि इसके क्या नंबर है। तो लेट करते हैं इसको y,
सेवन माइनस फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, वन अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसके प्लेस पे हमने वाई सब्स्टिट्यूट किया है, इसके प्लेस पे भी वाई, एंड देन नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखो यार क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्या इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, तो इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे वो उतना आसान नहीं होंगे जितना हम लोग एक व्यू में स्पीड वाइज करते हैं। कैसे करते हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं जो वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट है, जितना आता है उसको ब्रेकआउट करते हैं सच दैट सम या डिफरेंस माइनस 14 आता हो, तो आ ही नहीं पाएगा, मतलब आंसर तो आएगा लेकिन उस इजी वे में हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, बाई चांस इस केस में ऐसा दिख रहा है। ओके, तो यार एक ही चीज़ होता है कि अगर कुछ आता हो या ना आता हो, सीधा चार फॉर्मूला हमेशा लगता है, चाहे फैक्टर आप कर पाओ स्टार्टिंग से या ना कर पाओ, सीधा चार हमेशा है। ठीक है, तो दिस इज माइनस बी, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, ध्यान रहे माइनस फॉर्मूले में होता है और बी की जगह पे माइनस 14 लगा है, तो वो माइनस माइनस प्लस बना दिया, अगर आप चाह रहे हो तो मैं एक स्टेप बढ़ा सकता हूँ लाइक दिस। ठीक है, टू इंटू ए बोले तो वन, तो माइनस माइनस प्लस ये तो लिख रहा था, 14 का स्क्वायर कितना आता है, अब ये आता है माइनस का 4, तो 14 प्लस माइनस 96 माइनस 4 से हो जाएगा 192 डिवाइड बाई 2, अगर आप चाहो तो 192 का फैक्टराइजेशन कर सकते हो साइड में, तो फैक्टराइजेशन के हिसाब से बात करें तो 8 बाहर आ जाएगा, 2 2 एंड 2, 8 अगर बाहर आएगा तो अंडर रूट बचेगा 3, 2 कॉमन ले लो तो नीचे से कैंसिल होके बचता है 7 प्लस माइनस 4 रूट 3। ठीक है, तो आप इतना पहले नोट कर लो ताकि हम क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करें। ओके, तो वहां से दो रूट्स आ रहे हैं, एक प्लस लेने पे और एक माइनस लेने पे, ठीक है, अब वहां पे प्लस साइन लेते हैं, तो प्लस साइन लेंगे तो वाई इक्वल टू क्या है, 7 प्लस 4 रूट 3, ये जो लिखा है 7 प्लस 4 रूट 3, वाई की जगह हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था भाई, 7 माइनस 4 रूट 3 का होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5। ठीक है, 7 माइनस 4 रूट 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5, और राइट साइड लिखा है 7 प्लस 4 रूट 3, क्या इसको मैथमेटिकली हम लोगों ने अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कहीं हमने इस तरह से लिख दिया था, देख लो अभी मिटाया, इस वाले प्लेस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व करके दिखाया था, रड़ाया नहीं है, ध्यान दे। ओके, क्या इसको हम न्यूमरेटर में ले जाके इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इसका पावर 1 है और नीचे वाला पावर को ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप क्लास 7 पढ़े हो कि अगर एक पावर है मो इस तरह से, इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक पावर माइनस का एन, तो यहाँ पे पावर 1 था तो इसलिए ये ऊपर गया है तो ये माइनस 1 हो गया है। ठीक है, सोच रहे होंगे कुछ लोग कि अगर 4 अपॉन होता तो अगर यहाँ 4 अपॉन होता तो 4 इंटू ये ऊपर जाता, ठीक, अगर यहाँ 3 होता तो 3 इंटू एक पावर माइनस 1, 1 होता वो वाला तो बता ही दिया फिलहाल। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ 1 था तो इसलिए माइनस 1 किया, ठीक है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अब इस तरह से ब्रेक करने से फायदा क्या होगा वो आप देख सकते हो, बेस लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पावर भी एक दूसरे के कैसे होंगे वो
इक्वल होगा। बेस अगर सेम होता है तो पावर सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस थ्री, यहाँ से एक्स के दो वैल्यू आ जाएंगे टू और थ्री। तो फिलहाल हमें इस क्वेश्चन के एक्स की वैल्यू ही निकालना था, तो वो एक्स की वैल्यू आया टू और थ्री, यानी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाले जो एक्स होंगे वो सिर्फ टू और थ्री होंगे। फिलहाल ये तो सिर्फ प्लस साइन लेके लगाने से आया है, अब आपको यूज़ करने होंगे कौन सा साइन, माइनस साइन। ठीक है, यूज़ करने होंगे माइनस साइन, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप माइनस साइन वाला भी समझ लो कैसे होता है। नॉन स्टार्ट माइनस साइन, तो माइनस साइन में आप क्या लगा ऐसे माइनस माइनस साइन लोगे तो, लेकिन वाई क्या माने हो आप डायरेक्टली, सेवन माइनस फोर रूट थ्री समथिंग समथिंग। ठीक है, सेकेंड वाला बहुत आसान है जो माइनस साइन वाला है, क्योंकि इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ा, राइट हैंड साइड कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका यानी कि ये वाला नंबर का जो बेस है और ये वाला बेस दोनों बाय चांस पहले ही सेम मिल गया, तो आपको अलग से वो मल्टीप्लाई वाला केसेस नहीं सोचने। ठीक है, तो बेस सेम हो गया तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, इसका फैक्टर कर लो आप, यहाँ से आंसर आता है फोर और वन। तो अगर बात करें हमारे क्वेश्चंस के फाइनल आंसर के, तो वो आएगा वन टू थ्री फोर, सो दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट टॉपिक है जिससे हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं जेई मेंस और एडवांस के। ठीक है, लास्ट थ्रू देखते हैं किस तरह से इसको क्या किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, पढ़ते हैं। लिखा है द एक्सप्रेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, पूरा नंबर आप पढ़ लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी कैन बी रिजॉल्व इंटू टू लीनियर फैक्टर। अब देखो यार, ये जो लुक वाइज अभी दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक में तो है, लेकिन किस में क्वाड्रेटिक है हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे x का भी पावर 2 है और y का भी पावर 2 है, तो कह सकते हैं कि एक समय पे ये x में हो सकता है क्वाड्रेटिक, या फिर एक समय पे y में क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो वही इनका कहना है कि इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक छुपा है एट ए टाइम x एंड y, अब इस चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक को फैक्टर करो दो अलग अलग लीनियर फैक्टर में, यानी फैक्टर के फॉर्म में, रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर। ठीक है, दो अलग अलग लीनियर फैक्टर के फॉर्म में इसको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व कब होगा, ऐसा क्या कंडीशंस होंगे इनके कोफिशेंट्स में, तो वो लिखा है इफ। ध्यान रहे ये जो इफ लिखा है, इस इफ ये यदि वाला इफ नहीं है, इसका पूरा नाम होता है इफ एंड ओनली इफ, इसका पूरा नाम होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि एक मैंने एक्स्ट्रा जानबूझ के लगा दिया, इसका पूरा स्टडी मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, शुरुआत इफ ले लिया जाता है और लास्ट का एक एफ ले लिया जाता है, तो शॉर्टकट किसी ने बनाया तो हम लोग को स्टडी कर लें। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है, फिलहाल मैंने बता दिया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द एक्सप्रेशन दिस कैन बी रिजॉल्व इंटू टू लीनियर फैक्टर्स, इस एक्सप्रेशन को अलग अलग दो लीनियर फैक्टर में, लीनियर मतलब रैखिक होता है हिंदी में, ज़्यादा अजीब लग रहा है, लाइक इंग्लिश में सही है, इंटू टू लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करने का मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स में। ओके, यानी कि दो लीनियर होंगे, एक अलग लीनियर होगा और एक अलग लीनियर होगा, तो ये दो अलग अलग लीनियर को ही हम क्या करें, रिजॉल्व करना। ठीक है, तो ये कब होता है रिजॉल्व, तो कंडीशन क्या लिखा गया है, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट ए बी सी टू एफ जी एस माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड
एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे होते होंगे वो देखते हैं। ओके, हम लोग ने जो थ्योरी अभी पढ़ा है यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंग बेस एक क्वेश्चन मैंने लिया है, देखते हैं इसमें क्या प्लान करना है। इनका कहना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, यहाँ पे एक वेरिएबल एम है, फॉर विच द एक्सप्रेशन, क्वांटिटी एक्सप्रेशन के लिखा हुआ है मैथमेटिकली, कैन बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर। इस पर्टिकुलर चीज़ को दो अलग अलग लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिजॉल्व करना है, तो ऐसा क्या एम को यहाँ रखें अपनी तरफ से कि इसको सॉल्व करने के बाद वो दो अलग अलग लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करना है। ये आपके चार ऑप्शन है। एक तरीका तो ये कि यार ऑप्शन रख के यहाँ पे बारी बारी चेक कर लो, ऐसा कौन सा ऑप्शन रखने पे इसका वैल्यू जो है दो अलग अलग लीनियर फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट यार ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस थ्योरी ने अपने आप में एक कंडीशन बताया, ये रिजॉल्व तभी होता है जब ये वाले टर्म्स जीरो हो और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास सिक्स वेरिएबल्स है, मैं थ्योरी में ही समझाया था इसलिए क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना था। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, बी क्या है वाई स्क्वायर का, सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, ओके जी क्या है जी एक्स का कोएफिशिएंट या कि ना 2g, वाई कोएफिशिएंट यहाँ पे 2x। तो मुझे ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू फाइंड आउट करना है, देखते हैं क्या है। ठीक है, एफ जी एच की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप बताओ यहाँ से ए क्यों कितना हो जाएगा। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 2। एच कैसे फाइंड करें क्योंकि एच भी तो वेरिएबल है, तो एच फाइंड करने के लिए आप हमेशा एक्स वाई के कोएफिशिएंट से कंपेयर करोगे। यहाँ से एक्स वाई कोएफिशिएंट है, वहाँ से 2h और इस जगह से कितना है f, तो यहाँ से हम लोग h निकाल सकते हैं m बाई 2। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। b जो होता है y स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे y स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना होता है 3, यहाँ b कुल कितना आ जाएगा 3। ठीक, x का कोएफिशिएंट यहाँ 2g है, यहाँ पे कहीं x का कोएफिशिएंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि 2g के वैल्यू क्या है 0, तो g आपका कैलकुलेट 0 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या बढ़ा यहाँ पे 2f, तो अब यहाँ पे जस्ट करो कि 2f क्या है, y कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे -5 और यहाँ कितना है 2f, तो यहाँ से हम लोग 2f की वैल्यू -5 लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो f चाहिए फॉर्मूले में। और सी क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर के प्लेस है माइनस का 2, तो दे सकते हो सिक्स वेरिएबल से, तो सिक्स वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया ए बी सी, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी सिक्स नंबर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है जो आपका फर्स्ट कंडीशन है, और साथ ही साथ सेकेंड कंडीशन में भी रखना होगा, क्योंकि ये दोनों ही बात सही होना चाहिए तभी तभी ये दो चीज़ लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या कैसे डिसाइड किया जाता है। तो फिलहाल स्पेस तो कम है, मुझे क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा तभी हम लिख पाएंगे। ठीक है, यूज़ करते हैं कंडीशन, हम फर्स्ट लगा रहे हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ए की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 रख दो, बी क्या भाई साहब 3, सी क्या है सी 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 -2 प्लस, एफ क्या है -5/2, जी की वैल्यू क्या है 0, एच लिखो है ना लिखो है क्योंकि एक 0 मिल गया है तो मल्टीप्लाई अगर 0 ही होने वाला फाइनली, फिर भी लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू क्या है -5/2, ठीक है एंड होल स्क्वायर, माइनस सी की वैल्यू है -2, एच की वैल्यू है m/2,
ओके, एक चीज़ यहाँ पे मिस हो चुका है, मैं फिर देखता हूँ। ए की वैल्यू 2 है और एफ की वैल्यू है यहाँ पे -5/2। बी की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होता है 0, ये छूट रहा था। सी के प्लेस पे है -2 और एच की वैल्यू है m/2। इस क्वांटिटी को जब पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएगा -12, -5 ना होके बल्कि 0 आएगा, क्योंकि 0 इंटू दिस सब मल्टीप्लाई के पार्ट्स में है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। 25/4 0 +2 m²/4, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू जो आएगा वो ±7 आएगा। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टाइम बचा लिया हूँ। ओके, m की जो वैल्यू आएगा ±7 आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर देख लो। देखो यार, यहाँ पे m² है ना, तो जब पूरा सॉल्व करोगे तो m² = 49 आएगा, तो वहाँ से m की वैल्यू ±7 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड क्या चेक करना होता है अपने को, h² - ab > 0। चेक नहीं करना है, कंडीशन लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि रिजॉल्व होते हैं तो आप m की वैल्यू बताओ। तो रिजॉल्व हो रहा है, फिर m बता रहा है। h की वैल्यू क्या है m/2, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे आएगा m² - 4 - 6 > 0, m² - 24 / 4 = 0। 4 एक पॉजिटिव नंबर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। 24 का अगर हम लोग या काम कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों सही होने चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन लगाया था। तो अब चेक कर लो यार कि जो इस पहले वाले से m की वैल्यू आया है, क्या ये m को यहाँ रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो गया तब तो ये वैल्यू हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चेक करते हैं। तो m + -7 है, तो ये हो जाएगा m² की वैल्यू कितना आ जाएगा 49। चाहे प्लस का सेवन रखो आफ्टर स्क्वायर 49 आएगा, चाहे माइनस सेवन रखो आफ्टर स्क्वायर 49 आएगा, ठीक। तो आई थिंक ये देख सकते हो यार कि 25 एक 0 से ज़्यादा नंबर होता है, जो कि सही है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड के जो इंटरसेक्शन लिया जाएगा उसमें जो आंसर आने वाला है हमारा m = ±7। यानी कि ऑप्शन की अगर बात करें तो वो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसी के साथ साथ हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक जेई मेंस या एडवांस के क्वेश्चन आए हुए, जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी सारे आए हुए, जो कि बेस्ट क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे अब इसके बाद पिक करेंगे, ठीक है।